इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करके दसवें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है। और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षणिक खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है, वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो, बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी एक घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम या 20-20-20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम चिंता टेंशन परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है, आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ, जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत, टेंशन सफल नहीं बनाती बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो कि भक्ति करूंगा,
पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच। सो गम मत किया करो, गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको कभी, कपड़े खराब हुए? नहीं नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई? आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना? तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की, एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है। नहीं हाँ मर गए बहने तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है, रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे, यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते हैं, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है। तो हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके आप डरो मत और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर के पोटी करने आती थी और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट पिताजी, जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं, आप डराना एक बार। अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भ्रम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी गिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी उसको मारा, देखा फिर फड़फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला।
वहां जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट, हम उसमें वैसे चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नजरिए से वहां गए, उनके मैनेजर आके कहते गुरु जी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, हमने कहा भानगढ़ के, भानगढ़ के किले, हमने कहा भानगढ़ के किले रात को करोगे, हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं, हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है, कहते गुरु जी ऐसा है वहां जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ूं, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं, पुराने समय की बात बेपरवाजी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है बेपरवाजी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह तो आप वहाँ हम जाते तो होड़े वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होड़े बन गई, बहुत स्वाद बनती है, बहुत टेस्टी होती हैं वो, चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होड़े की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली तो अंदर डाल दी, अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला, उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टन कहते हैं उसको, टीटनी काले रंग की होती है बिल्कुल होड़ों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है, तो वो अंदर से चिरचिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू, कि चाहे कुछ भी कर, मतलब उसको लगा अब भोला था कि ये चने की टाटें ही कर रही है, छिच कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई, वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था, हम रातों को भी घूमे, वहां थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला, सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे उनकी भी घिग्गी बदी, इधर मत जाना ये अंधेर कोपड़े, मैंने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे, उनको भी देख के कुछ नहीं है, इधर देखा कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं, मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में हो जाता है, वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख आंख खोल के देखते हैं क्या आ रहा है, उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे, अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। तो फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करया, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है, उस हाथ से डरते क्योंकि वो चर्र होता है, और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना, और होता क्या है वो चर्र क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है, तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़े ही ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फोम में और वहां लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज खत्म। तो ये चीजें आज के युग में आम पाई जाती हैं, उनको लगता है कि नहीं गेट खोलने नहीं जाते, अंधेरे में बाथरूम नहीं जाते, तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीजों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो, आप हिम्मत करो, हिम्मत ए मर्दा मद दे खुदा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, अगर आप हिम्मत करेंगे मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे, आप सोए हुए हो नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे कार्य करोगे तभी मालिक मदद करेंगे ना, गुलाम मत बनो किसी का, गुलाम बनना है तो एक का बनो,
जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा, सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लवरेज हो सकता है। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4-40 बजे रहते हैं फेस पे, आप जानते हैं ना 4-40 काफी फेमस हुआ है, 10-10 और 4-40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए वो 9:15 ही होते हैं ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है, ज्यादा 9:15 वो भी ठीक रहता है, लेकिन 4:40 मत बजाया करो चेहरे पे। उदासी आती किस बात की? उदासी कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी, क्यों पड़ता भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं, प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे। धन सतगुरु तेरा ही आचा, सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।